हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोदी सरकार की इन पांच योजनाओं के बारे में जो गरीबों के लिए हुई है वरदान। दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार की इन पांच योजनाओं से गरीबों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, यानी कि इन पांच योजनाओं से गरीबों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। तो दोस्तों ये कौन कौन सी पांच योजना है जिससे गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है, आज के इस वीडियो में इन पांच योजनाओं की चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप किए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपने नागरिकों के हित में कई योजनाएं चलाई हैं, ये योजनाएं गरीबों के लिए वरदान साबित हुई हैं। दोस्तों आइए जान लेते हैं इन पांच योजनाओं के बारे में जो युवा, गरीब, किसान और महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई। दोस्तों नंबर एक, प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को अपना घर बनवाने के लिए सहायता देकर मदद करना है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से सहायता राशि दी जाती है। पीएम आवास योजना गांव के लिए और पीएम आवास अर्बन योजना शहरी क्षेत्रों के लिए है। दोस्तों ग्रामीणों को यानी ग्रामीण लोगों के लिए मोदी सरकार 1,30,000 रुपए देती है और शहरी लोगों के लिए 1,20,000 रुपए देती है। दोस्तों इसके अलावा इसमें राज्य सरकारें भी मदद करती है। इस तरह से गरीबों के लिए घर बन जाता है और वे अपना जीवन अच्छी तरह यापन करते हैं। दोस्तों ये भी एक योजना वरदान साबित हुई है गरीबों के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों नंबर दो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आपको बता दें कि ये योजना किसानों के हित के लिए बनाई गई है। इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों को मिलता है। मोदी सरकार साल भर में 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है। दोस्तों ये 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे बैंक खाते में जाती है। दोस्तों इस योजना से गरीब किसानों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है, ये भी एक योजना एक किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। दोस्तों नंबर तीन, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। दोस्तों प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 दिसंबर 2023 को गरीबी यानी कारीगरों और शिल्पकारों को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य देश के कारीगरों की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस योजना का फायदा बड़े सुतार और मूर्तिकार कुम्हार समुदाय के कारीगरों को मिल रहा है। योजना के तहत पहले चरण में 1,00,000 रुपए का कर्ज दिया जाएगा। ब्याज की दर की इस सही 5% नहीं होगी। दोस्तों इसके अलावा दूसरे चरण में कामगारों को 2,00,000 रुपए तक का कर्ज मिल जाएगा। अब दोस्तों नंबर चार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। दोस्तों इस योजना को साल 2016 में देश की महिलाओं की जिंदगी में बदलाव के लिए लाया गया था। दोस्तों इस योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारक को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया जाता है। दोस्तों वहीं सब्सिडी में एक साल में 12 सिलेंडर मिलते हैं। दोस्तों मार्च 2023 तक इस योजना का लाभ 9.59 करोड़ महिलाओं ने लिया था। दोस्तों ये भी योजना महिलाओं के लिए एक वरदान साबित हुई है। दोस्तों नंबर पांच, सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों बेटी पढ़ाओ यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2015 में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। आर्थिक समानता के न होने के कारण जो परिवार अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, खासकर लड़कियों को, उनकी चिंता दूर करने के लिए सरकार सुकन्या समृद्धि योजना लेकर आई है। दोस्तों इस योजना के तहत निवेश कर बेटी की पढ़ाई से लेकर शादी तक के खर्च में पैसे जोड़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी बेटी है तो इस योजना के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। आपको शादी यानी पढ़ाई से लेकर शादी तक का खर्चा सरकार की तरफ से मिलेगा। तो दोस्तों ये पांच योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। तो दोस्तों आपको इन योजनाओं में सबसे अच्छी योजना कौन सी है और आपको अभी तक इन योजनाओं में से कौन सी योजनाओं का लाभ मिला है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। रोजाना सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब। दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।